मैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सभी जनपदवासियों को दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जो सभी त्यौहार हमारे खुशियों के त्यौहार हैं, लेकिन जो दीपावली पर्व है वो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सतर्कता से मनाने का त्यौहार है। उसी उद्देश्य से एक अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा जीवन है वो खुशियों के लिए बना है और हमको अपना जीवन भी देखना है, त्यौहार ही मनाने हैं। जहाँ पर हम ये त्यौहार मनाते हैं उसमें हम आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी के प्रयोग के लिए सबसे पहले अपील करना है कि जो आतिशबाजी का प्रयोग किया जाए, प्रदूषण रहित ध्वनि प्रदूषण को कम करने वाले आतिशबाजी का ही प्रयोग किया जाए, हो सके तो ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए, तथा जो पटाखे हम यूज करते हैं वो जो निर्देश दिए गए हैं हमारी सरकार द्वारा, क्योंकि बीच बीच में हमारे CM साहब ने भी बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि हमको किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार हमारे नियम बनाती है वो भले ही हमको कड़े लगते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका हमारा उद्देश्य सभी जनता के लिए सुरक्षा पैदा करना होता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो आतिशबाजी की जगह चिन्हित की गई है वहाँ से ही आतिशबाजी लें और उसका जो भंडारण करते हैं वो घरों में जो रखते हैं सुरक्षित स्थान पर रखें, वो कहीं बच्चों के हाथ ना लगे, तथा जब हम उसको प्रयोग करें तो छोटे बच्चों की उनको आतिशबाजी चलाने के लिए ना छोड़ें, उनके साथ में अपने आप भी मौजूद रहें और जो आतिशबाजी है उसके चलाने के दौरान कम से कम एक दो बाल्टी पानी का रखें। और अगर कोई आतिशबाजी जब हम चलाते हैं, कुछ आतिशबाजी ऐसी होती है कि वो पूरा तरीके से अपना डिमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी उसको हम दोबारा कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। साथ ही साथ दीपावली पर्व पर अग्नि दुर्घटनाएँ की कुछ अपील हैं वो करना चाहूँगा कि जैसे हम आतिशबाजी चलाने से कुछ अग्नि दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, तो हम स्वयं अपनी उपस्थिति में आतिशबाजी चलवाएँ, उसको सुरक्षित स्थान पर रखें। तीसरा, जैसे हम अपने घरों की सजावट करते हैं तो उसमें जो वायरिंग होती है तो उसमें वायरिंग भी बड़े लूज ना रखें, कटे फटे तार का प्रयोग ना करें और जो विद्युत लोड है उसके अनुसार ही हम अपनी सजावट करें घर का, क्योंकि वो भी एक अग्नि दुर्घटना का कारण बन सकती है। तीसरा, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा स्थल पर हम हमारा दीपक का यूज करते हैं या मोमबत्ती यूज करते हैं, अगरबत्ती यूज करते हैं, तो जहाँ पर हमारा पूजा स्थल है, जहाँ पर हमारा मंदिर है, वो भी एक सतर्कता से पूजा करने का एक बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसमें पर्दा हो सकता है या जिस बेस पर हमारे दीपक रखे हैं वो कहीं किसी कपड़े से टच तो नहीं है, किसी पर्दे से टच तो होने की संभावना नहीं है, उस पर भी हम नज़र रखें। तथा जो हमारा अन्य जो मतलब पंडाल वगैरह लगते हैं उसमें भी जब हम जाएं तो देखें कि रास्ते उसमें पर्याप्त हैं, क्योंकि अगर कभी ऐसी आग की दुर्घटना होती है तो एकदम लोग घबराहट पैदा करते हैं और उसमें स्टैंपर होने की संभावना रहती है। हमने वैसे अपनी सभी गाड़ियां जहां पर आतिशबाजी की सरकार द्वारा, हमारे जिला अधिकारी, हमारे SSP महोदय द्वारा जो जगह चिन्हित की गई हैं उनके निर्देशों में आबादी से बाहर जो दुकानें लगी हैं उसमें हमारी फायर सर्विस टीमें तैयार हैं और हमने सतर्कता से हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। हमारे जो सभी जनपद में 9 मोटर फायरिंग गन हैं, 3 हमारी वाटरमिस्ट हैं, इस बार हमने बुलेट भी ड्यूटी पर लगाई है। और हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि ये त्यौहार हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे संविधान में बोलने की स्वतंत्रता है उसकी भी एक गरिमा है, इसी प्रकार से जो हमारा दीपावली का पर्व है खुशी मनाने का हमारा अधिकार है, लेकिन हम उसको संयम से और बड़ी समझदारी से ही मनाएं। कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही या कुछ ऐसा चीज़ें जिससे कि कोई अग्नि दुर्घटना घटित हो तो हमारे जो परिवार की खुशियां है वो गम में ना बदले। तो इसके साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जब हम आतिशबाजी चलाते हैं तो हम खिड़की दरवाजे अपने बंद रखें, क्योंकि जो आतिशबाजी में एक रॉकेट जो आतिशबाजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसमें हम उसको जब चलाते हैं कभी कभी वो आसमान में जाने की बजाय उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, वो घरों को दीवारों की तरफ होते हुए खिड़की के अंदर से अगर प्रवेश कर जाता है तो उसमें जनहानि हो सकती है। साथ ही साथ जो हमारे हाई रेंज भवन है उन हाई रेंज भवनों में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो जलने वाला है, जैसे हम वेस्ट कार्टन डाल देते हैं या कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं छत पर, तो जैसे वो आतिशबाजी जो रॉकेट्स होता है जो वापस आता है ज़मीन की तरफ को, तो ज़मीन पर आने तक तो उसका उम्मीद ये रहती है कि वो आग की चिंगारी नहीं होती है, लेकिन अगर वो हाई रेंज बिल्डिंग के ऊपर गिरता है या ऊँचे भवनों के ऊपर जाता है तो उसमें आग लगने की
संभावना रहती है, तो ऐसा भी अपनी छतों पर देख लें। और हमारी प्रथम जो हमारा उत्तरदायित्व है, हम अधिक से अधिक आप लोगों की सेवा करें, और सेवा में हम अकेले ही नहीं हैं, समाज भी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा सहयोग दें। अग्निशमन विभाग हमेशा तत्पर है, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में हमने सभी टूटियाँ अलर्ट मोड पर रखी, जिलाधिकारी साहब के निर्देश जो है उनका कड़ाई संपन्न किया। धन्यवाद।